नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सामने आया हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो, भारत विरोधी नारे लगाते हुए दिखे हथियारबंद आतंकी, वीडियो को पीओके में शूट किए जाने का शक। दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों ने की कैब ड्राइवर की पिटाई, 4 से ज्यादा लोगों को बैठाने से मना करना पड़ा महंगा। बटला हाउस मामले पर सोनिया गांधी के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस के पक्ष से नाराज है बीजेपी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। राज्यसभा के लिए दिग्गजों ने किया नामांकन, बिहार में जेडीयू से शरद यादव और आरजेडी से मीसा भारती के साथ वकील राम जेठमलानी जाएंगे राज्यसभा। अब घर बैठे डाक विभाग के जरिए मंगवा सकेंगे गंगाजल, केंद्र सरकार शुरू करेगी नई ऑनलाइन स्कीम। चिदंबरम को राज्यसभा भेजने के कांग्रेस के फैसले पर भड़की शिवसेना, मुखपत्र सामना में लिखा, महाराष्ट्र के सिर पर जबरन चिदंबरम का लुंगी डांस करवा रही है कांग्रेस। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नए वीडियो के साथ। हिजबुल के ट्रेनिंग कैंप का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी हथियार लहराते हुए भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वीडियो हाल ही में आतंकियों के ग्रुप ने शूट किया था, जिसे पीओके में शूट किए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन ने हाल ही में नए चुने गए आतंकियों को संबोधित करने के लिए हिजबुल ट्रेनिंग कैंपों का दौरा किया था। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन दिनों दक्षिणी अफ्रीकी देशों के नागरिकों पर हमलों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन दिल्ली से आज जो घटना सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। दक्षिणी अफ्रीकी मूल के 6 लोगों ने दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 4 से ज्यादा सवारियां बिठाने से इनकार कर दिया था। ड्राइवर ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे अफ्रीकी नागरिकों ने ओला ऐप के जरिए टैक्सी बुक की थी। अफ्रीकी नागरिकों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं थी। इन्हें राजपुर से द्वारका जाना था, लेकिन ड्राइवर ने 4 से ज्यादा सवारियां ले जाने से इनकार किया तो विदेशी नागरिकों ने उन पर हमला बोल दिया। फिलहाल ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ दिल्ली में जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली हुई है, तो वहीं बटला हाउस एनकाउंटर मामले में राजनीतिक सरगर्मियां पड़ गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष से नाराज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और सोनिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनिया गांधी की आवाज की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकी तत्वों को संरक्षण दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बटला हाउस के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने कहा था कि वो फर्जी है, लेकिन आज वही आतंकवादी ISIS में जाकर कह रहा है कि मैं वही आतंकी हूं जो बटला के एनकाउंटर से भाग के आया हूं। अब सोनिया जी क्या कहेंगी। और अब रुक अगली खबर पर। राज्यसभा के लिए बिहार में महागठबंधन के 4 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। जेडीयू की ओर से शरद यादव और RCP सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया, तो वही RJD से मीसा भारती और राम जेठमलानी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। करीब 3 साल बाद लालू के परिवार से किसी सदस्य की संसद में एंट्री होगी। नॉमिनेशन भरने के दौरान राम जेठमलानी ने जहां लालू को अपना मित्र बताया, तो वही मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। नॉमिनेशन फाइल किए जाने के दौरान नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और KC त्यागी मौजूद रहे। और अब बात अच्छी खबर की। गंगाजल के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश जाने की बजाय अब घर बैठे ही गंगाजल मिल जाएगा। मोदी सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत डाक विभाग लोगों के घरों तक गंगाजल पहुंचाएगा। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने डाक विभाग को एक ऐसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ई कॉमर्स के जरिए लोगों के घरों तक गंगा जल पहुँचाया जा सकेगा। इस योजना के तहत गंगा जल के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। फिलहाल ये मालूम नहीं है कि गंगा जल की कीमत क्या होगी। अगली खबर भी राजनीति से जुड़ी। शिवसेना ने महाराष्ट्र से पी चिदम्बरम को राज्यसभा भेजने के कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि कांग्रेस ना सिर्फ चिदम्बरम को जबरन महाराष्ट्र की जनता पर लाद रही है, बल्कि अपने पैरों पर पत्थर भी मार रही है।
शिवसेना ने कहा कि जिस नेता पर आर्थिक हेराफेरी की जांच चल रही है और जो इशरत जहां मामले में गड़बड़ी में शामिल है, उस चिदंबरम पर अपना हाथ रखकर कांग्रेस गलती कर रही है। कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना ने कहा कि चिदंबरम को उनके तमिलनाडु में पैर रखने की जगह नहीं मिली। यह लुंगी डांस महाराष्ट्र के माथे पर मरने का पाप कांग्रेस ने किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।